But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can. Good morning! सुबह सुबह इस एरिया को इतना अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि ओपन एयर है और आजकल बेंगलुरु का जो वेदर है वो इतना अच्छा हो के रहा है, बिल्कुल बचपन का जो कोलकाता का जो वेदर है ना, होली से पहले का, बिल्कुल ऐसे हवा चल रहा है। या अगर बैठ हो रहा तो आपका और ऐसे वेदर में सुबह सुबह चाहिए एक कप गर्मा गर्म चाय। हर वीकेंड पे हमारा हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। आहा कितना अच्छा हवा में धूल तो बाहर हो तो हर वीकेंड तो और भी अच्छा। तो मैं तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ, उसके बाद जा रही हूँ मैं इसका आनंद लेने। तो एवरी वीकेंड हम सारे फ्रेंड्स मिलते हैं तो किसी ना किसी के घर पे मिलते हैं। सबके घर पे मिलते हुए अगर हम लोग बोर हो जाते हैं तब जाके हम बाहर कहीं भी मिलते हैं। तो इस वीक हमारे घर पे हम मिले थे कल परसों, बैक टू बैक दो दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाई। अगर बनाती तो आपको शोमली का एक अलग ही किचन दिखता। इतने सारे झूठे बर्तन और ऊपर से बिस्ना जी नहीं आए, इतने सारे झूठे बर्तन यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम से, क्योंकि स्टार्टर डिजर्ट तो कुछ नहीं बनाई बट स्टार्टर मेन कोर्स ये सारे चीजों में पूरा बर्तन एकदम वो हो गया। देन मैंने डिश वॉशर में ठूस ठूस के भरा, उसके बाद भी कम नहीं हुआ, फिर उसे निकाला, देन और भी कुछ भरा, उसके बाद भी जो रह गया आज सुबह बिस्ना जी आके वो सारे क्लीन किया और इसे अभी एक एक करके सेट कर रहे हैं, जो कि फिलहाल तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अरे खिड़की खुला था और हवा से गैस बंद हो जा रहा। जब तक हम लोग चेयर्स नहीं करते तब तक मिथुन चाय नहीं पी सकते, तो इसलिए चाय नहीं पी सकेंगे तो क्या करें, बिस्किट डुबो डुबो के खा रहे हैं। एटलीस्ट चाय पी तो नहीं रहे ना। सुबह सुबह भूख लग जाता है इसीलिए थोड़ा सुबह सुबह चाय पीने का एक रूल है। क्या है? सुरुत करके और वो आवाज जरूर आना चाहिए। तो वो कैमरा को क्लोज लाना पड़ेगा तो लोग सुन पाएंगे। अगर तुम लेते हो ना तो तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से वो पता चल जाएगा। मैं कभी कभार यूट्यूब में स्पिरिचुअल गुरुज को देखता हूँ, तो एक बंदा वैसे गुरु टाइप का, नाम नहीं पता, तो वो बोल रहा था कि हम लोग क्यों चेयर्स रखते हैं, चेयर्स का ओरिजिनल रूल के लिए नहीं, जो जो राजा राजाओं के, वो बोल रहा है कि हम लोग जब किसी चीज को मतलब अनुभव करते हैं तो पांचों इंद्रियों से अनुभव करना चाहिए, लेकिन कुछ ड्रिंक करने से चार इंद्रिय से अनुभव कर सकते हैं, पांचवा नहीं होता है, इसीलिए चीयर्स करते हैं तो कान से भी अनुभव करते हैं। तो आज लंच का नाम है फ्रिज क्लीनिंग लंच रूटीन, यानी कि वीकेंड में जो होता है फ्रिज में कोई भी अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं रहता, अगर कुछ अच्छा रहता है तो दो एक तीन, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। तो आज फ्रिज में जो जो सारी चीजें थे वो सब निकाली है और वो सारी चीजें आज मैं बनाने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा शायद चार पांच आइटम हो सकता है, कोई सुन रहा है, चार पांच आइटम्स हो सकता है आज। इतना 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 पूरे चारों तरफ एकदम फैला के खा पाओगे। अच्छा राइस भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, हर एक आइटम को एंजॉय करने के लिए राइस भी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो जैसे कि पपाया था हाफ हाफ से भी थोड़ा कम, तो मैंने क्या किया इसको कद्दूकस कर लिया है, तो इसे भी मैं बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तब बताऊंगी क्या बना रही हूँ। स्प्रिंग अनियन है उसे आलू के साथ फ्राई करूंगी, जो कि मिथुन का बहुत फेवरेट है, और एक चीज ऑलरेडी बना लिया है, ये है पम्पकिन। सुबह सुबह सबसे पहले हाँ मिर्च ज्यादा दिया, तो ये है पम्पकिन, ये भी थोड़ा सा ही था, तो पम्पकिन का चोखा बना लिया है जो कि मिथुन का बहुत फेवरेट है, हर हाँ हम लोगों का भी बहुत फेवरेट है। सोच रही हूँ कि मशरूम अनियन और गार्लिक थोड़ा सा बटर में सॉटे करके सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। मशरूम सॉटे भी कर सकती हो, मशरूम फ्राई भी कर सकती हो। हाँ मतलब ऐसे ही कुछ जो कि ब्रेड के साथ खाया जाए। मशरूम फ्राई बाप रे, इससे रहने दो, इससे अच्छा ये सड़ जाए। पपाया में जाएगा और ड्राई रेड चिली एंड मस्टर्ड सीड्स
और कुछ नहीं देना है इसमें। ऑयल में मस्टर्ड सीड्स एंड ड्राई रेड चिली फ्राई करना है, उसमें कद्दूकस किए हुए पपाया को डालना है, टर्मरिक शुगर एंड सॉल्ट, बस। The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. तो अभी कुकिंग करते हुए आर्यन भी उठ चुका है, तो आर्यन को भी अभी मैं ब्रेकफास्ट बना के दूंगी। तो जो मशरूम आपने देखा ना, तो गार्लिक मशरूम और अनियन के साथ मैं इसे थोड़ा सा सॉटे कर दूंगी एंड देन इसे ब्रेड में स्टफ करके इसे सैंडविच मेकर में दूंगी, तो अच्छा सा सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए आर्यन के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। But baby, I bet you're cold without me, even when it's not. So Mani ne aaj subah subah itna acha khana banayi mere liye, to mera bhi banta hai na, husband ka bhi thoda thoda banta hai, obviously. Haan, to isiliye tumhara to sabse pasandida cheez hai beverage, ekdam wahi bana raha hu. Thank you. Ye thoda baad mein jayega, nahi kaat ke to rakhna padega. इस गर्मी में अगर कोई मॉकटेल बना के पिलाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? नहीं, मुझे पता है इसके बाद मैं गाली भी खाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जगह गंदा करके दिखता है। बनाने के बाद प्लीज तुम्हें इसे साफ करना है, प्लीज। अच्छा, ऐसा क्या? तुम किस में बना रहे हो? ये ग्लास या कोई और ग्लास? ये ग्लास। ओके। ये है चेरी कोला, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर ये तो ट्राई करते ही बहुत अच्छे, मतलब ट्राई करते रहते हैं मॉकटेल के ऊपर, कॉकटेल के ऊपर, और जितने भी मतलब सिरप वगैरह है ना, वो सारी चीजें हमें फ्रिज में आपको मिल जाएगा कॉकटेल वॉकटेल बनाने के लिए। पता है मिथुन, तुम्हारा ये कोशिश ही ना तुम्हें एक दिन महान बार्टेंडर बनाएगा। उसके लिए खुद का बार होना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरे काम नहीं देगा। इंसान को कोशिश करते रहना है, और जिस चीज में इंटरेस्ट हो ना वही काम करते रहना है बार बार। वाओ, क्या कलर है, एकदम आइस टी होता ना बिल्कुल वैसा। वाओ, एक्सीलेंट कलर, कलर देख के तो प्यास बढ़ रहा है मेरा। और क्या जाएगा इसमें अभी? और कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी ये जाएगा। वाओ, नाइस। ये तुम इंस्टा में फोटो दे सकती हो। करेक्ट, अब स्टोरी में एक डाल देते हैं मिथुन का क्रिएशन, ठीक है? पीने में कैसा हुआ पता नहीं। इसमें स्ट्रॉ डालो। हाँ, स्ट्रॉ दे दो। तुम्हें नहीं पीना कुछ? नहीं। और तुम्हें तो ठंड लगी है। ये नहीं, इतना कुछ घर सीखने का। एकदम से ना ऑरेंज के बीचों बीच में से ये मैं निकालूंगी। हाँ, ये अच्छा दिख रहा है। सही है। एक्सेलेंट मिथुन, सच बताओ, सच। मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें ना सर डिग्री मिलने वाला है अगर मैं अच्छा बनूँ या बुरा बनूँ। नहीं, पर बहुत अच्छा बना। ऐसे ऐसे हो सकता है ना कि किसी का बार हो, वो मुझे तुम्हारा ये रिव्यू सुन के बार्टेंडर का नौकरी दे दे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो फिलहाल तो इस जॉब के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत अच्छा बना, पर स्वीटनेस थोड़ा सा अगर कम होगा तो अच्छा होगा। अच्छा, बट ठीक है, वो भी चलेगा। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है बार बार। पिक्चर नहीं उठाई। अभी एक अच्छा सा मॉकटेल के बाद और भी जोश आ गया है कुकिंग में, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पोस्टो शॉर्ट के भोला। जो भोला फिश का कुछ पीसेस था, मतलब वो हेड, दिल, टेल और बीच में बीच का जो दो एक पीसेस था, तो वो मैं बना रही हूँ मस्टर्ड और पॉपी सीड पेस्ट के साथ। ओके, तो आलू और इसे मैं अलग से फ्राई कर लिया है मैंने अलग पैन में, तो इस पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा करंजी और उसके साथ वो पेस्ट, और बस इसे डाल दूंगी सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, उससे बन जाएगा। पर आज कोई भी रेसिपी आर्यन का मतलब का नहीं है, आर्यन का लंच करना है फिर से लोड शेडिंग, अभी घर छोड़ के जाना पड़ेगा। सीरियसली बोल रही हूँ गाइस, इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, दिन में कितनी बार लोड शेडिंग होता है, इससे कुछ ठीक नहीं है।
सारी लाइट्स खराब हो रहा है, इवन इंटरनेट का 3-3 कनेक्शन हम लेके रखे हैं क्योंकि मेरा मिथुन का दोनों का ही काम है इंटरनेट पे। सारे मोडेम खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो रही होगी। बोले तो अभी आया है, अगर मैं शूटिंग को कंटिन्यू करूँ तो जस्ट कुछ देर बाद फिर से जाएगा। ये नया मिला, ये पता नहीं था मुझे। फ्रंट यार्ड का खराब हुआ। अभी ये भी अफोर्ड कर सकते हैं, पर अगर टीवी फ्रिज इसका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सोच सकते हो कि फ्रिज का जाने का चांसेस कम है क्योंकि फ्रिज में हम लोगों ने स्टेबलाइजर बिठा के रखा है, लेकिन टीवी का तो हाँ। इतना गुस्सा आता है ना कभी कभार, मतलब कोई काम कर रही हूँ या तो ऑस्कर मैंने वो डेको खराब हो गया, एक डेको आज ही केस रेस किया हम लोगों का वायरलेस के लिए। तीनों फ्लोर में वायरलेस के लिए 3 डेको लगाया हुआ है, 3 में से 1 डेको खराब हो गया। सिटी से अगर 15-20 किलोमीटर दूर भी जाओ तो भी ये प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं इस एरिया में क्या हो रहा है। अभी तो बोला है कि ये एक्चुअल में क्या है, ये बीबीएमपी का एक्सपेंशन होता है ना, तो इस साल इसका मतलब अगले साल इसका एक्सपेंशन में बीबीएमपी के अंदर आने का बात है। बोल रहा है कि उसके बाद शायद ठीक होगा। तब तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना वो सारे खराब हो जाएगा तब तक। ऐसा मत बोलो, मेरा बहुत झटका लगेगा। हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए ना, वो क्रॉस कर रहा है। सही बात है, ऐसे ऐसे सिचुएशन पे लोड शेडिंग हो रहा है ना कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ऑस्कर का हमेशा टारगेट रहता है माइलो, वो मतलब टारगेट लेके बैठा है, हम दोनों उसे संभालने के जस्ट संभालने जा रहे हैं लोड शेडिंग। अभी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है किसी को भी, पर ऑस्कर माइलो को देख पा रहा है, माइलो ऑस्कर को देख पा रहा है क्योंकि वो लोग अंधेरे में भी देख सकते हैं, हम लोग तो किसी को नहीं देख पा रहे। बहुत मुश्किल हो रहा है इसके कारण। चलो तो फिलहाल मेरा कुकर भी हो चुका है, बन चुका है, और अभी ये धीरे धीरे होता रहे तब तक मैं नहा के आ जाऊं। तो अभी है हमारा लंच टाइम और लंच को एंजॉय करते हैं, और सारी चीज़ें जो है वो जुगाड़ू टाइप से फ्रिज में जो भी था उसके साथ ही ये सारे आइटम्स बनाई है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सारे चीज़ भी ना खाने का बहुत मन करता है, मतलब क्रेविंग भी होता है। हमेशा कोई रिच फूड अच्छा नहीं लगता, पर हाँ कभी कभार अगर मन करता है तो बाहर से लाने से अच्छा है कि आप घर में ही कुछ अच्छा बना लो, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप नया कुछ सीख भी पाएंगे। और मतलब बाहर से लाने से तो अच्छा है कि आप घर पे कुछ बनाओ तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है, तो वो सब बना लेती हूँ क्योंकि मैं कुकिंग का शौकीन हूँ और मुझे हमेशा तीनों टाइम अगर दिन में मुझे कुकिंग करना पड़े ना तब भी मैं थकती नहीं हूँ। मैं अलग अलग प्लान कुछ बना लेती हूँ कि नया क्या किया जाए। तो चलिए एंजॉय करते हैं लंच को। अभी एक ही स्विच यूज होगा हमारा लाइट और ये फ्लोर लैंप है ये, और रोक बैक के लिए हमारे पास दो रोक बैक है, एक है मॉप करता है जो, और एक है सिर्फ डस्टिंग करता है। पर इसके लिए ना पूरा मैप बनाना पड़ता है, पर हमारे मैप अभी तक नहीं बना है क्योंकि इतना जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट ग्राउंड फ्लोर का ही मैप हुआ है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर हम क्लीन करते हैं। तो रोबो बैग का एक तो अभी यूज नहीं होता जो कि सिर्फ डस्टिंग होता है, तो वो अभी यूज नहीं होता। जो मॉप भी करता है उसका ग्राउंड फ्लोर का मैप है, तो हमने क्या सोचा है कि एक का मतलब सेकंड फ्लोर का हम सिर्फ डस्टिंग का जो है उसका मैप सेकंड फ्लोर में करेंगे, फर्स्ट फ्लोर में इसका मैप करेंगे। और ग्राउंड फ्लोर पे नॉर्मली हम मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो मैजिक मॉप है तो वो तुम मैप कर लोगी। मैं नहीं, हम दोनों। अच्छा। जब जिसके पास टाइम होगा, आर्यन का भी छुट्टी है, आर्यन भी कभी कभार कर सकता है। आर्यन आर्यन और तुम मैप करके मॉप करोगी, मैप करके मॉप करेंगे। और तू? हम मैं मॉप में मतलब मैप करने के लिए मॉप के लिए मैप में गाइड दूंगा। और तू मैप में गाइड दोगे और हम दोनों मॉप करेंगे बैठ के। और ये जो कमाल हुआ है दोनों एक साथ चल रहा है, ये भी तुम्हारा ही दिमाग है। हाँ ये है मेरा दिमाग नहीं, ये है मल्टीपर्पज प्लग। ये लैंप तो एवरीडे जलता है पर वहां पे प्लग पॉइंट है एक, तो अभी क्या करें, डायसन का भी जब हम उसका ये करते हैं तो लाइट का प्लग निकल के डायसन का चार्ज कर देते, और हर एक का टाइम टू टाइम चार्ज करना भी मुश्किल है, तो इसलिए ये सेट कर दिया गया है। तो अभी रोबो बैग का प्रॉब्लम ये है कि वो ऑटोमेटिक
चार्ज रिलीज हो जाता है अगर तुम अगर यूज नहीं करते हो तो उसका चार्ज रिमूव हो जाता है। तो बेडरूम का भी लाइट्स ऑन करना है। मैं आपको और एक चीज बता दूं जो एवरीडे मैं बताती हूँ, छोटे मोटे कुछ टिप्स वास्तु का, कि कोई भी रूम ना मैं जलाने वाली थी, इसे जला देते हैं ना, ये अच्छा लगता है, वो थोड़ा ज्यादा ही वो करता है। अरे ये स्विच नहीं, ये वाला। तो कोई भी रूम ना आप ऐसे अंधेरा मत रखिए। आ गया हमारा सोनू बाबू, आ गया। एक जलाटा खुला दे बाबू, बालकनी तक जा, ये भी हम जला देंगे, ठीक है। और दोपहर को कोई आके यहाँ पे सोया था और उसके बाद देखिए कुछ भी क्लीन करके नहीं गए। अभी जाके मिथुन को मैं पकड़ूंगी, जरूरी है, मिथुन का ही काम होगा। डस्टबिन के वहां पे रख दे, थैंक यू। ये कौन है? हमारा लालू भूलू है, लालू भूलू। ये लंबा सा लेज वाला कौन है? इसे बालकनी से देखना बहुत पसंद है, चाहे इस बालकनी हो या आर्यन का बालकनी है। एग्जाम के बाद शायद यही हालत होता है बच्चों का, जब जहाँ पे मिला वहां पे सो गया। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होना है, शाम के टाइम में मैं एक बार फ्रेश जरूर होती हूँ, क्योंकि पूरा चिपचिपा हो जाता है पूरा फेस, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है, ऑयली नहीं कॉम्बिनेशन स्किन है, पर ऑयल थोड़ा सा आ जाता है यहाँ से। तो फ्रेश होना है, थोड़ा सा स्किन केयर करना है, और फिर मैं इसको क्लीन करके, बेडरूम को क्लीन करके फिर नीचे आऊंगी। कल मैं क्या सोच रही हूँ कि ये जो मिरर है, मिरर को कल मैं क्लीन करूंगी। घर में साफ सफाई करने वाला कोई भी हो, वो लोग इतना माइनूटली आपका चीजें क्लीन नहीं करेंगे, जैसे कि बिस्ना जी पॉट क्लीन करते हैं और ये जो फ्लोर है ये क्लीन करते हैं, पर ये सारी चीजें टच भी नहीं करते। ये जो बेसिन का टॉप है, देन बेसिन भी इतना ज्यादा कुछ नहीं करते, मिरर तो बिल्कुल भी टच नहीं करते। तो कल मैं क्या सोच रही हूँ कि यहाँ पे इतना पानी का स्पॉट हो गया ना, तो ये मिरर और किचन का वो जो विंडो है, विंडो पे उस पर बर्तन क्लीन होता है ना, तो वो दो चीज मैं कल जरूर करूंगी। सबसे पहले मेरा वो मेन काम होगा कल का, अदरवाइज पानी का स्पॉट अगर ज्यादा हो जाएगा ना, बाद में क्लीन नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ कॉलिंग से क्लीन करते अच्छा होगा। मैं यहाँ पे आई थी बेड को ठीक करने, लाइट्स ऑन करने, और क्या झेलना पड़ रहा है। इतना प्लेफुल है, मतलब गोल्डन रिट्रीवर इतना प्लेफुल होता है, मुझे कुछ आइडिया था, पर ये आने के बाद ना ऑस्कर, दोनों का नेचर ना एकदम अलग है। ऑस्कर जैसे पूरे दिन चुपचाप बैठा रहेगा ऐसे, और सबके ऊपर भौंकेगा, बाइट करने जाएगा बाहर के लोगों के लिए। पर इसके लिए क्या, बाहर से अगर चोर भी आ जाए ना घर पे, बस एक बिस्किट देने की देर है, बिस्किट दे दो, मैं बिस्किट खाऊं और तुम घर पूरा लूट के ले जाओ, या पूरे दिन ये खेलता रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दिस वीक कई सारे फ्रेंड्स हमारे घर आए थे, हमारे घर पे ही पूरा हमारा जो अड्डा है वो हुआ था। तो सारे प्लेट्स वगैरह ऊपर से नीचे लाना पड़ा, और अगर किचन टॉप के ऊपर का जो शेल्फ है वहां से मैं कुछ निकालना चाहूँ तो मुझे इसके ऊपर खड़े होना ही पड़ेगा। और लैडर हमेशा मैं यूज नहीं करती, क्योंकि लैडर के लेग से ना कभी कभार अनजाने में ये जो डूको है इसमें खरोच आ जाता है, तो इसके ऊपर चढ़ के मुझे ये सारे निकालना पड़ता है, और उठाने के टाइम में वापस जाके फिर से उठाना पड़ता है। और अभी सेकेंड लॉट का जो बर्तन है वो मैं डिशवॉशर में डाल दूं, ताकि बिस्ना जी के लिए भी थोड़ा सा लाइट हो जाए कम, क्योंकि एक्चुअली ना बिस्ना जी को ज्यादा बर्तन क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 घंटा 25 मिनट्स लगता है मैं जिस मोड में इसे वॉश करती हूँ, तो बस हो जाता है, और सुबह तक तो ये सूख भी जाता है, तो आराम से मैं निकाल लेती हूँ। मुझे लास्ट दो दिन से घुगनी चाट खाने का बहुत मन कर रहा है, और ये है येलो मटर, और ये मटर कब का है पता है? एनिवर्सरी के फंक्शन पे 35 पीपल हुए थे, तो बहुत सारा स्टार्टर मैंने बनाई थी, तो उसमें से ये घुगनी भी एक स्टार्टर था,
तो 1 किलो मटर का मुझे घुगनी बनाना था, पर मिथुन 2 किलो लेके आ गए थे, तो 1 किलो और भी है। तो एक्चुअली ना इतने लोगों का मेरा कोई आइडिया नहीं कि कितना बनाना चाहिए कितना नहीं, तो हमारे फ्रेंड्स में से एक शुभना दी है, तो शुभना दी को मैं हमेशा पूछती हूँ कि कितना अमाउंट का बनाऊं, तो राइस कितने अमाउंट का बनाऊं, तो ये वो। तो शुभना ने कहा था कि 1 किलो तो बना ले, 1 किलो में हो जाएगा, क्योंकि और भी कई सारी चीजें रहेगा ना, तो इतने लोग खा नहीं पाएंगे। ऊपर से कीमा भी आया था, 700 ग्राम्स कीमा था, है ना, मतलब 700 ग्राम्स ना, कोई भी चीज अगर थोड़ा सा हो तो खाने का एक अलग ही मजा आता है, जब वो ज्यादा हो जाता है तो ओवर हो जाता है, तब कोई नहीं खाना चाहता। और हमारे घर पे एक ही खाना, एक ही आइटम 2 टाइम कोई नहीं खाएगा। But baby, I bet you're cold. अभी कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, मिथुन घर पे काम कर रहे हैं अपना काम, तो अभी मैं शांत से यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बैठूंगी, और हवा चल रहा है बहुत अच्छा, इस हवा को भी एंजॉय करना है। Without me, even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, cause I'm not there beside you, keeping you. Particular इस जगह पे बहुत ज्यादा हवा चलता है, हाँ, क्योंकि चारों तरफ खाली है, इस तरफ इंसान जिस तरफ बोलेंगे उस तरफ घूमना चाहिए, मैंने बोला इस तरफ, तूने घुमा दिया कैमरा उस तरफ। आज फूल वही, ये लग रहा है कोई जंगल से तुम जा रहे हो, कोई रिजॉर्ट से तुम जा रही हो, हाँ पिक्चर में ऐसा लग रहा है। हाँ जबकि फ्री हूँ, मिथुन भी फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा सा वॉक पे आए हैं। एक्चुअली इस टाइम में हम लोग 1 घंटे तक वॉक करते हैं, उसके बाद मिथुन का नेक्स्ट कॉल होता है, वो भी एंड ऑफ द डे जो कॉल होता है, उसके बाद शटर बंद। तो अभी के लिए थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, और ये है हमारा सोसाइटी का नया पार्ट जो कि आपने कभी नहीं देखा, यहाँ पे नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, और सामने का जो पार्ट है वो पार्ट में हम लोग सारे सेटल हो चुके हैं, सारे रूम फुल हो चुका है, और उनका ये जो नेक्स्ट फेज है, यहाँ पे भी बिल्डिंग्स बन रहा है, फेज 2A 2B है, फेज 2 है, हाँ फेज 2 है। तो यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग नहीं आए, यहाँ पे ये सारे विलाज है, पर ये विलामेंट है, दिखाओ, नहीं ये भी विलाज है, विलामेंट उसके पीछे, विलामेंट है ना वो, नहीं नहीं वो फ्लैट्स है, 1BHK फ्लैट, स्टूडियो अपार्टमेंट्स। ओके, मतलब बहुत अलग अलग कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बना रहे हैं, तो ये गार्डन अभी नया नया बना है, तो अभी हम लोग यहीं पे टहल लेते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते, मैंने बहुत वॉक किया, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर से वॉक पे जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को ये पेंट करते हैं, और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो नेचर है इसको थोड़ा सा फील भी कर लेते हैं, और वॉक के बाद थोड़ा सा हमने अभी बैठना है, और फिर वॉक करते हुए 3-4 राउंड फिर से लगाएंगे, हाँ। फिर घर, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।